So, I gave my JEE Advanced exam in 2020 and I got a rank of 9,411. But इसके पीछे एक काफी बड़ी story है। I got 120 marks in the exam, whereas paper one में मेरे 88 marks थे और paper two में 32। इतना बड़ा difference। क्या थी गलतियां जो मैंने एडवांस वाले दिन करी और क्या ऐसी अच्छी चीज़ें करी या फिर क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी पेपर अटेम्प्ट करने में जो मैं पेपर वन में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया वी आर गोना डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो आई एम गोना कीप इट एज क्रिस्प एंड शॉर्ट एज पॉसिबल सो लेट स्टार्ट सो मैं एग्जाम वॉज ऑन ट्वेंटी सेवंथ ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी और मेरा एग्जाम सेंटर काफी पास पड़ा था घर से तो आई लेफ्ट ऑलमोस्ट वन आवर बिफोर दी एग्जाम टाइम एंड आई चेक डेन एंड यू नो सैड फॉर दी एग्जाम और उसके बाद मैंने पेपर वन करना स्टार्ट करा मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट करा डिस्पाइट ऑफ दिस कि मेरी केमिस्ट्री सबसे वीक थी बट मैंने केमिस्ट्री पर जेई मेन से लेकर जेई एडवांस के बीच में सबसे ज़्यादा टाइम दिया था और काम किया था तो मैंने केमिस्ट्री से पेपर को स्टार्ट किया एंड आई न्यू कि केमिस्ट्री में मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी फिर भी मैंने उन क्वेश्चन को ऑप्ट करने की कोशिश करी जिनको मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता था और उन क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा काम किया और वो क्वेश्चन सॉल्व करे इसके बाद मैंने एक चीज़ और ध्यान दी में इस तरह के भी क्वेश्चन थे जिनमें माइनस टू नेगेटिव मार्किंग थी तो मैंने बहुत केयरफुली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन थे और उनमें पार्शल मार्किंग नहीं होती तो आपको भी इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर किसी क्वेश्चन में पार्शल मार्किंग है तो उनको अटेम्प्ट करना बट अगर पार्शल मार्किंग नहीं है तो बहुत सोच समझकर हमें अटेम्प्ट करना होता है केमिस्ट्री के बाद आई मूव ऑन टू फिजिक्स एंड आई वुड सजेस्ट यू द सेम कि अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं इवन आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करें क्योंकि केमिस्ट्री सबसे जल्दी हो जाती है उसके बाद फिजिक्स पर मूव करें एंड लीव मैथ्स फॉर दी लास्ट क्योंकि मैथ्स में आपको लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे एंड यू शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन मैथ्स वरना अगर आप गलत क्वेश्चन पर अटक गए इट्स अ जेरी एडवांस क्वेश्चन इट कैन टेक इवन एन आर टू सॉल्व

टिक वन मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था इन मेन्स बट आप जानते ही हो कि मैथ्स में स्कोर करना एडवांस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इंस्पाइड ऑफ दैट आई स्कोर थर्टी एट मार्क्स इन मैथमेटिक्स विच आई सॉ लॉर्ड ऑफ टॉपर्स स्कोरिंग समवेयर अराउंड दैट आ, तो वो एक काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है तो मैथ्स को अटैम्प्ट करने के लिए मेरा ये सजेशन रहता है कि आपको ना क्वेश्चन की परख करनी ज़रूर आनी चाहिए और ख़ासकर जिन क्वेश्चन में पार्शल मार्किंग है उनको ज़रूर अटैम्प्ट करने की कोशिश करो क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि आप ऑप्शनस को मैच करके देख सकते हो क्वेश्चन में डाल के या फिर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो तो पार्शल मार्किंग की वजह से आपको एक एज मिल जाता है और मैथ्स में मैं ये सजेशन ज़रूर रखूंगा कि अगर आपको पता है कोई टॉपिक आपका वीक है घर पर मॉक में उस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो प्लीज जाके उसके क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम मत वेस्ट करो अगर आपको दिख गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन मेरी वीक है तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम मत वेस्ट करो जस्ट लीव इट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एंड में टाइम बचता है यू विल कम बैक टू इट मैं बट मैं ये लास्ट में एक चीज और कूंगा आफ्टर यू हैव अटेम्प्टेड मैथ्स तो मैंने एक काम किया था कि लास्ट में मेरे पास बीस पच्चीस मिनट बच गए थे और इसके बाद मुझसे मैथ्स में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे थे देन आई केम बैक टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स उनमें जो क्वेश्चन मैंने मार्क कर कर रखे थे जो कि मुझे लग रहा था मुझसे हो जाएंगे बट शुरू में नहीं हुए थे तो मैंने उन को करा जिसकी वजह से मेरा स्कोर एटी एट तक जा पाया इन पेपर वन अब जब मैं पेपर वन करके निकला सेंटर से आई वॉज हैप्पी आई मेट माई फादर एंड आई टोल्ड बिकम एन आई आई टी इन टूडे मे बी यू नो बट देन हियर कम्स द ट्वेस्ट अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा सेंटर काफ़ी पास था मेरे घर के सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू माई होम विद माई फादर एंड घर पर आया सैंडविच वगैरह खाई यूट्यूब देखा एंड बेसिकली आराम कर रहा था थोड़ा सा तो उसकी वजह से ना आई काइंड ऑफ वेंट इन टू द स्टेट ऑफ स्लीप मतलब मुझे नींद आने लग गई और इस तरह की चीज़ें होने लगी ऑल दो मैं सोया नहीं बट मुझे नींद आने लगी इसकी जगह आपको इस तरह से कुछ करना चाहिए था कि अगर आप घर भी आ रहे हैं सो यू शुड नॉट हैव टेकन एनी रेस्ट एज सच आप बैठे रहें लेटिए मत ये सारे काम मत कीजिए ठीक है जो भी खाएं हल्का फुल्का खाएं मैंने थोड़ा सा खा भी उस दिन ज़्यादा लिया था उसके अलावा आप कॉफ़ी ज़रूर पी के जाएँ ब्लैक कॉफ़ी या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ चाय आप पीते हैं चाय पी के जाएँ इस तरह की चीज़ आपको एग्ज़ाम से पहले पीनी चाहिए या और या फिर डार्क चॉकलेट आपको खानी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे लेने चाहिए जो कि आपको टाइम विद टाइम एनर्जी दें इस तरह के नहीं जो आपको नींद लाएं मुझसे यह गलती हुई थी और इसी की वजह से अब पेपर टू की बात कर लेते हैं पेपर टू जब मैं देने आया तो मैंने पेपर टू में आकर आधा घंटा पहले मैं पहुंच गया था पेपर स्टार्ट होने से तो मैं आधा घंटा सो गया डेस्क पर सर रख के और मुझे लिटरली नींद आ गई थी और मैं जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो आंखों के आगे गई तीस सेकेंड का टाइमर बचा था पेपर स्टार्ट होने में एंड जब ही मैंने जल्दी से इंस्ट्रक्शन पढ़ी और इंस्ट्रक्शन पढ़ के मेरा दिमाग घूम गया बिकॉज इस पेपर में सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ द पेपर वॉज सब्जेक्टिव और मतलब बाकी Meaning, जो पेपर था वो मल्टीपल चॉइस करेक्ट था तो me, क्योंकि मैं मोस्टली uh, एमसीक्यूज से कर पाता था ऑब्जेक्टिव मुझे से थोड़ा सा में भी माइनस वन की नेगेटिव मार्किंग थी अगर आप गलत आंसर देते हो तो माइनस वन मिलेगा तो इस चीज़ की वजह से मैं घबरा गया यहीं पर आपको एक चीज का यूज करना है दैट इज टू स्टे काम टेक डीप ब्रेथ्स और घबराओ मत जस्ट नो टेल योर सेल्फ कॉन्शियसली कि यार ये जो भी पैटर्न आया है ना ये सबके लिए आया है सेम आया है अगर मुझे मुश्किल लग रहा है सबको मुश्किल लगेगा मैंने तैयारी करी है तो मैं पेपर कर लूंगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है सबका लो स्कोरिंग जाएगा मैं अभी वो क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ जो मुझसे हो जाएंगे मैं ये चीज़ नहीं समझा पाया ख़ुद को ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम और उसी की वजह से मैं ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाया था मुझे याद है फिजिक्स के अंदर लिक्विड्स का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था तो वो मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन था मुझे डर लग रहा था सब्जेक्टिव से पहले ही और क्वेश्चन ईजी था बट uh, क्योंकि उस समय पे एंगजाइटी बढ़ गई थी इस वजह से ढंग से उस क्वेश्चन को अटैम्प नहीं कर पाया ऐसी गलतियाँ आप मत करना केमिस्ट्री के अंदर भी मैं सेम एडवाइस दूंगा कि यार आपको बहुत बार लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा इस तरह की चीज़ें आएंगी दिमाग में बट एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर देखना बट अगर मैथ्स में आपको लगता है क्योंकि मैथ्स में देखो मोटा मोटा आइडिया पड़ जाता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो हो सकता है हो जाए बट अगर बिल्कुल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो उस पर टाइम ना वेस्ट करो क्योंकि आप देखो तो दो से तीन मिनट एवरेज आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं तो हम एक भी क्वेश्चन पे फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हमें सिर्फ वही क्वेश्चंस पे फोकस करना है खासकर मैथ्स के के अंदर सीक्वेंस सीरीज बाइनोमियल और इस तरह सेक्शन अगर इन तरह के चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए हैं तो इनके क्वेश्चन को जाके ढूंढो ऑप्ट करो और उसके बाद उनको सॉल्व करके आंसर करके आओ बाकी सारे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है अगर नहीं होते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करो और कई बार होता है कि मानो आपका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन सब स्ट्रॉग है बट फिर भी यार आपको पता है कि ऑन एन एवरेज उनके क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लेते हैं होने में सॉल्व तो फिर आप उनको मत करो पहले आप इसी तरह के टॉपिक्स ढूंढो थ्री है वैक्टर है जिनके क्वेश्चन आपको पता है जल्दी सॉल्व होते हैं तो उन क्वेश्चन को ढूंढ के और सॉल्व करना है और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है देखो छः घंटे का पेपर है और बीच में एक दो घंटे का ब्रेक भी होता है टोटल आठ घंटे के लिए आपको एक्टिव रहना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि यार आप ना ब्रेक में स्टिंग वगैरह भी पी सकते हो मुझे लगता है स्टिंग पी के कुछ बच्चों को एनर्जी आ जाती है like लाइक उस समय पे तो ये सब चीजें नहीं होती थी और रेडबुल में पीता नहीं तो आ, कुछ बच्चे होते हैं यार रेडबुल वगैरह भी पी जाते हैं कैफीन होता है उसमें बट uh, मैं सजेस्ट करूंगा अगर मतलब पहली बार कर रहे हो तो ट्राई मत करना स्टिंग रेडबुल इस जैसी चीजें पीते हो तो और आपको लगता है कि हाँ इफेक्ट पड़ता है मुझे मेरी नींद उड़ जाती है और इस तरह से मेरा दिमाग तेज चलता है तो ही पीना अदरवाइज देखो ये चीजें एंग्जाइटी भी ज्यादा क्रिएट कर सकते क्योंकि एड्रेनलिन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा कफीन लोगे तो उसकी वजह से एंगजाइटी भी हो सकती है कहीं पे अगर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा तो उसके चक्कर में बाकी सारे क्वेश्चन भी खराब हो सकते हैं प्रेशर आ जाएगा स्ट्रेस आ जाएगा ठीक है तो इन सारी चीज़ों से बच के रहना बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा यार टाइम से नींद ले लेना पूरी नींद लेना पेपर से एक दिन पहले रात को मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नींद बिल्कुल नहीं आती है पेपर से पहले तो आप लोग भी यार आँख बंद करके लेट जाना बेड बैठ फोन वोन मत चलाना उसमें एनर्जी जाएगी आँख बंद करके भगवान को याद करो कोई भजन गा लो कुछ भी मन में दिल दिल में भगवान को याद करो और अपने पेपर के बारे में सोचो और सोचो कि अब फाइनली कल जो सुबह होगी ना यार वो बिल्कुल डिफरेंट होगी कल मैं पेपर देने जाऊंगा जो सारी दो साल मैंने मेहनत करी है सारी उस पेपर में लगा के आ जाऊंगा और कल के पेपर के बाद जो मेरी जिंदगी होगी वो कुछ और ही होगी मैं आईआईटी जाऊं या ना जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता बट अब ये जेई की प्रिपरेशन खत्म और एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है इस माइंड के साथ जाओगे बहुत अच्छा करके आओगे ठीक है सो दैट सेट फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू एवरी एंड आई होप माँ सरस्वती आप सभी के साथ बहुत मतलब आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रखें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए दैट्स इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टेट यून क्योंकि हम आगे चल के कॉलेज से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर लेके आने वाले हैं कॉलेज रिव्यूज़ खासकर हम इस चैनल पर लेके आने वाले हैं ब्रांच रिव्यूज लेके आने वाले हैं उस सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स फॉर वॉचिंग पीस आउट बुक